नमस्ते फ्रेंड्स, एबिलिटी एक्सपांशन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आईटीआई वेल्डर को इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब जानेंगे। अगर आप वेल्डर हैं तो इन सवालों को प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू में जाएं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो जनरली सबसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वेल्डिंग क्या है, व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग परमानेंट जॉइंट। इट इज प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पार्ट्स बाय हीट और प्रेशर और बोथ। वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे दो मेटल पार्ट्स को जॉइन किया जाता है और जिसके लिए हीट, प्रेशर या फिर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, वेल्डिंग के प्रकार क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपको वेल्डिंग के सारे प्रकार बताने हैं, जैसे कि आर्क वेल्डिंग, इसमें आता है MIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टिंग वेल्डिंग। इस पे आपको क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से कोई एक प्रकार को डिस्क्राइब करो, एक टाइप को डिस्क्राइब करो, तो आपको शॉर्ट में किसी भी एक टाइप को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग करते वक्त कुछ गैसेस का भी यूज किया जाता है, जैसे कि शील्डेड गैसेस, जिसमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या फिर हेलियम। कुछ फ्यूल गैसेस होते हैं जैसे कि एसिटिलीन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, वेल्डिंग के लिए आवश्यक बेसिक टूल क्या है, व्हाट आर द बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। तो इसमें आपको बताना है, सेफ्टी ग्लासेस, ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट, चिपिंग हैमर, वायर मेश, वेल्डिंग ग्लोव्स, ये सारे बेसिक टूल्स हैं जो वेल्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हो सकता है, MIG वेल्डिंग क्या है, MIG वेल्डिंग क्या है, व्हाट इज MIG वेल्डिंग। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त आपको MIG का फुल फॉर्म बताना है, जो है मेटल इनर्ट गैस। इट्स आल्सो नोन एज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW। इसे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। इन MIG वेल्डिंग प्रोसेस एन इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म्स बिटवीन कंज्यूमेबल MIG वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस मेटल। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क MIG वायर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस मेटल के इन बिटवीन फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPS क्या है, व्हाट इज WPS। द वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस इज द फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स डायरेक्शंस टू वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर फॉर मेकिंग वेल्ड्स एज पर द कोड रिक्वायरमेंट्स। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे वेल्डिंग के रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग जॉइंट्स के प्रकार क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। इसके जवाब में आपको वेल्डिंग जॉइंट्स के प्रकार बताने हैं, जैसे कि लैप जॉइंट, बट जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, वी जॉइंट, जे जॉइंट, यू जॉइंट। इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे इसमें से कोई एक वेल्डिंग जॉइंट का टाइप डिस्क्राइब करो, तो आपको उस पर्टिकुलर जॉइंट्स को थोड़ा सा इवेल्युएट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रेशर वेल्डिंग क्या है, व्हाट इज द नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग इज द इंटीमेट जॉइनिंग मेथड ऑफ मेटल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट विदाउट यूज ऑफ द प्रेशर। नॉन प्रेशर वेल्डिंग एक ऐसी जॉइनिंग मेथड है जिसमें हीट का यूज किया जाता है और प्रेशर का यूज नहीं किया जाता। नॉन प्रेशर वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूजन वेल्डिंग, इस प्रकार को फ्यूजन वेल्डिंग भी कहा जाता है। इन नॉन प्रेशर वेल्डिंग द मटेरियल एट द जॉइंट इज हीटेड टू अ मोल्टन स्टेट एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में मटेरियल को हीट करके मेल्ट किया जाता है और उससे जॉइंट क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हेड स्क्रीन का उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ हेड स्क्रीन। हेड स्क्रीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फेस एंड आईज ऑफ द ऑपरेटर फ्रॉम द लाइट रेज ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग स्पार्किंग के जो रेज होते हैं उससे वेल्डिंग ऑपरेटर का फेस एंड आईज का प्रोटेक्शन करने के लिए हेड स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। ब्रेजिंग क्या है, व्हाट इज द ब्रेजिंग। ब्रेजिंग कैन जॉइन डिससिमिलर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल एक्सेट्रा। फ्लक्स इज ऑफन यूज ड्यूरिंग ब्रेजिंग। जब कोई अलग अलग मेटल प्लेट्स को ज्वाइन करना होता है तब ब्रेजिंग यूज किया जाता है।
वेल्डिंग में एफ नंबर क्या है? व्हाट इज द एफ नंबर इन वेल्डिंग? एफ नंबर इज फिलर मेटल ग्रुप नंबर इन वेल्डिंग। जो फिलर मेटल के ग्रुप्स रहते हैं उनके नंबर को एफ नंबर बोलते हैं। आर्क वेल्डिंग क्या है? व्हाट इज आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग इज द टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट हीट टू मेल्ट एंड जॉइन मेटल्स। आर्क वेल्डिंग में हीट जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक आर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस। आर्क वेल्डिंग में जो हीट जनरेट की जाती है वो अराउंड 6000 टू 7000 डिग्री सेल्सियस होती है। TIG वेल्डिंग क्या है? TIG वेल्डिंग क्या है? व्हाट इज TIG वेल्डिंग? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले TIG का फुल फॉर्म बताना है, जो है टंगस्टन इनर गैस TIG वेल्डिंग। इट्स आल्सो नोन एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। इन TIG वेल्डिंग हीट इज प्रोड्यूस एज आर्क बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। इस प्रकार के वेल्डिंग में हीट जनरेट करने के लिए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में कितने प्रकार की गैस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम यूज्ड इन वेल्डिंग? तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल फ्लेम, सेकेंड होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड थर्ड होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट, आपको वेल्डिंग सिंबल की कितनी जानकारी है ये जानने के लिए आपको कोई वेल्डिंग टाइप दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका सिंबल बना के दिखाओ, या फिर आपको कोई डायग्राम दिखाया जाएगा जिसमें वेल्डिंग सिंबल होगा, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर में ये एरो मार्क किया हुआ है और उसके साथ 5 एंड एक ट्रायंगल जुड़ा हुआ है। तो आपको ऐसे कोई सिंबल दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग बताओ, तो आपको इस सिंबल का मीनिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे देखना है कि आप में से कितने लोगों का ये जवाब सही आता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।